मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मरीजों के साथ रिश्तेदार भी दर बदर, पीजी परीक्षा में गड़बड़ी या प्रश्नों के साथ भेज रहे उत्तर भी, वैक्सीन लेने से पहले ट्रायल हुए। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। मरीजों के साथ रिश्तेदार भी दर बदर। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मरीजों की गंभीर स्थिति को देख परिजन उन्हें लेकर सीधे अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर अचानक दबाव बढ़ गया है। स्थिति यह है कि मेयो और मेडिकल की कैजुअलिटी तक में मरीजों की जगह नहीं मिल रही है। परिजन मरीजों को लेकर कैजुअलिटी के बाहर लंबा इंतजार कर रहे हैं। कैजुअलिटी में जगह मिलने के बाद बेड मिलने में भी यह घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन इसके लिए मरीजों के साथ अस्पताल परिसर में रिश्तेदारों को भी खासा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पीजी परीक्षा में गड़बड़िया प्रश्नों के साथ भेज रहे उत्तर भी। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की परीक्षा की जिम्मेदारी कॉलेजों को दी है, जिसमें जमकर अनियमितताएं देखने को मिल रही है। ऐसे मामले सामने आए हैं कि कॉलेज के शिक्षक की विद्यार्थियों को नकल करने में मदद कर रहे हैं। कॉलेज विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र तो भेज ही रहे हैं, साथ ही उत्तर भी भेजा जा रहे हैं। इसकी शिकायत भी नागपुर विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। तो वही तीसरी ओर वैक्सीन लेने से पहले ट्रायल हुए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के बड़े स्तर पर ट्रायल किए गए हैं, जिसमें किसी तरह के दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वैक्सीन लेना ही चाहिए, इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाले संक्रमण में कमी आएगी, साथ ही गंभीर मरीजों की संख्या भी कम होगी। वैक्सीन में इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है। वैक्सीनेशन से जुड़ी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। यदि अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो वैक्सीन जरूर लें, अन्यथा वर्तमान स्थिति आपके सामने है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।